तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो रूह बाबा VS मंजुलिका। अब मंजुलिका कौन होगी, विद्या बालन को क्यों लाया गया है, आई डोंट नो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हर कोई अलग अलग तरीके से अपनी अपनी थ्योरी सेट कर रहा है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लैरिटी दे दूँ, कल एक भूल भुलैया से एक पोस्टर आया था और अब यहाँ पे देखो इसी की कमी रह गई थी, क्योंकि कल यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी कि कल देवरा के साथ में इसका टीजर यानी कि भूल भुलैया 3 का अटैच होके आने वाला है। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं आप लोगों को कह दूँ कि बस यहाँ पे अब भूल भुलैया 3 का जो एक प्रमोशन कैंपेनिंग है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे कैंपेन स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। अब जिस तरीके से अनीस बाजमी एंड टी सीरीज इस पर काम कर रहे हैं भाई, वो यहाँ पे देखने लायक होगा। फिलहाल ये है कि कल का जो पोस्टर आया, उस पोस्टर को लेके बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया, यानी कि अब दरवाज़ा खुलने वाला है। तो इसके ऊपर लेके सिंगम अगेन के वो दया जो थे, वो CID वाले, दया दरवाज़ा तोड़ दे, मतलब इस तरीके से ना बहुत से लोगों ने मजाक सा उड़ाया, खासतौर से भूल भुलैया 3 के पूरी की पूरी टीम का एंड भाई मैं कहता हूँ कि प्रोडक्शन हाउस का, कार्तिक का, सबका। लेकिन यहाँ पे जब मैं कहता हूँ हल्के में लिया जाए किसी को, तो ये ना समझे कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि कछुए और खरगोश वाली जो एक रेस होती है और उसमें कौन जीतता है, वो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर हम भूल भुलैया 3 को हल्के में ले रहे हैं, मैं यहाँ पे सिंगम अगेन का यहाँ पे पक्ष नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे भूल भुलैया 3 को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, सिंगम अगेन को भी कर रहा हूँ। अच्छी बात है कि दोनों ही मूवीज़ एक अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करे, लेकिन मैं अदर फैंस की बात बता रहा हूँ, उन लोगों ने जो एक तरीके से गलत बात बोली, तो ये मुंह पे तमाचा मारा है कार्तिक आर्यन ने उन लोगों के जो कि उनको गलत बोल रहे थे। तो ये कार्तिक का तमाचा है। अब यहाँ पे एक पोस्टर आया है भूल भुलैया 3 का, आपकी स्क्रीन पे होगा। यहाँ पे आप लोग इसमें एक चीज़ देखेंगे, एक सामने महल दिख रहा है, महल के अंदर लाइटें जल रही हैं, लाइटों के ठीक बराबर में एक ट्री है यानी कि पेड़, और वो उस पेड़ पे आग लग रही है। और आप ऊपर को देखेंगे तो 4-5 आप लोगों को चुड़ैले दिख रही हैं जो कि बाल खुले पड़े हैं और एक ही स्टाइल में है, एक ही लुक है, एक ही पोशाक है। थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो रात की काली घाटी, एक काली मतलब रात है, और एक चील यहाँ पे आप लोगों को नीचे दिखेगी जो कि कार्तिक आर्यन के पास में खड़ी है, और कार्तिक आर्यन की बैक साइड से हमें देखने को मिल रहा है, रुमाल बांधा हुआ है, कुर्ता उन्होंने वही पहना हुआ है ब्लैक कलर का जो कि एक हमने भूल भुलैया 2 में देखा था। एंड यहाँ पे मशाल जल रही है साइड में जो एक चील है वो, लेकिन दहशत वाला एक पोस्टर लग रहा है बिल्कुल। जिसने भी इस पोस्टर को बनाया है भाई, बहुत ही बड़ा क्रिएटिव है, मुझसे भी बड़ा क्रिएटिव है जिसने भी इस पोस्टर को यहाँ पे डिज़ाइन किया है, बहुत ही तगड़े तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सुकून से ये पोस्टर बना हुआ है। बहुत अच्छा यहाँ पे कलर ग्रेडिंग आ रही है इस कलर की, और एक एक चीज़ साफ साफ दिखाई दे रही, खासतौर पर भूल भुलैया 3 का जो एक टाइटल है, वो जो यहाँ पे बनाया गया उसका जो डिज़ाइन है, मुझे बहुत ही यहाँ पे अच्छा लगा। मुझे तो सबसे अच्छा ये सीन लग रहा है, इस सीन को आप लोग एक ज़रा इमेजिन करके देखो कि ये सीन क्या कह रहा है, यानी कि कार्तिक आर्यन ऐसा लग रहा है कि एक महल में जाएंगे और उसके अंदर जो यहाँ पे आत्माएं होंगी उनसे जाके लड़ेंगे और उनको भगाएंगे, कुछ ऐसा सीन मुझे लग रहा है, यानी कि महल के अंदर कुछ आत्माएं हैं। और ये मुझे वही महल लग रहा है जो कि भूल भुलैया के पार्ट 1 में था, वो अक्षय कुमार वाली। देखो यहाँ पे एक सीन है, यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे हैं और ये बात मैंने भी आप लोगों को बोली थी कि देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है यानी कि अवनी वाला, मंजुलिका जो अपना विद्या बालन के अंदर आ गई थी, वो सीन मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ये लोग उस सीन से जोड़ रहे हों। अगर ये सीन हो जाता है ना, अगर ये सीन हो गया विद्या बालन एज अवनी, एज मंजुलिका यहाँ पे आ गई, तो भाई मैं कह रहा हूँ कि बॉक्स ऑफिस के यकीनन यकीनन यहाँ पे दरवाजे ऐसे खुलेंगे कि ये मूवी एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। और जिस तरीके से स्त्री ने यहाँ पे अभी तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को छोड़ा नहीं है ना, तो ये मूवी मुझे लग रहा है कि स्त्री से भी काफ़ी ऊपर जाने वाली है। बस ये है कि कहानी अगर लोगों को पसंद आ गई और इसकी जो कॉमेडी टाइमिंग है वो यहाँ पे छा गई। देखो कॉमेडी में अगर लिया देखा जाए कि अंदर राजपाल यादव भी हैं, और राजपाल यादव हैं एंड 2-3 जने और होंगे जो कि अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन मेरी अपनी खुद की ये इच्छा थी कि इस मूवी के अंदर अगर परेश रावल भी होते तो इस मूवी का और भी ज़्यादा गिराव बढ़ जाता। पोस्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया और वाइब्स आ रही हैं कि इसका जो टीज़र होने वाला है जो कल आएगा भाई, वो तो फाड़ू ही होगा। कल तो देवरा के साथ में हमें ये टीज़र देखने को मिल जाने वाला है। इसका आई थिंक सो इसका टीज़र सोशल मीडिया पे कब रिलीज़ होगा वो यहाँ पे मैं आप लोगों को भाई कल ही बताऊंगा, या शाम तक कुछ उसकी टाइमिंग वगैरह आएगी तो ही आप लोगों को यहाँ पे मैं क्लियरिटी दूंगा। लेकिन भाई पोस्टर के नीचे
यहाँ पे देखो कमेंट्स बहुत से लोगों ने किए हैं, लेट्स गो रूह बाबा, एंड एक लिखता है कि होप दिस मूवी कैन एंटरटेन एवरीवन बिकॉज सेकंड पार्ट वाज नॉट गुड एज कंपेयर टू फर्स्ट। तो इस दिवाली पे होगा धमाका, भूल भुलैया 3 रूह बाबा VS मंजुलिका इस दिवाली, काइंड ऑफ स्त्री 2 टाइप मूवी। तो यहाँ पे देखा पब्लिक भी यही चाह रही है, एंड रूह बाबा अमेजिंग सरप्राइज, वाओ व्हाट अ पोस्टर, सब जो यही कह रहे हैं। तो यहाँ पे पब्लिक को पोस्टर पसंद आया, तो इसका मतलब साफ है कि ये मूवी को जो है यहाँ पे एक अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिल सकता है। माधुरी दीक्षित को टैग करना भूल गए क्या? तो यहाँ पे ना माधुरी दीक्षित को टैग नहीं करा इसमें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी नाम आया और माधुरी दीक्षित को अभी ऑफिशियल तरीके से हमने सेट पे देखा भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे माधुरी दीक्षित का कुछ अलग सीन और एक स्पेशल सीन होने वाला, क्या होने वाला वो तो मूवी में देखने के बाद पता लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।